नाउ वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में जो कि अर्थ की सरफेस के पास या तो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे या नीचे की तरफ फॉल कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस के पास मूव कर रहा है, फ्री फॉल स्टेट में है, ठीक है, तो उसके पास एक डाउनवर्ड एसलेशन होता है जी। ठीक है, उसके पास एक डाउनवर्ड एसलेशन होता है जिसको हम कहते हैं जी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक कॉन्स्टेंट एसलेशन, ये एक यूनिफॉर्म एसलेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर चले जाएंगे तो इस जी की वैल्यू वेरी करती है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो भी मोशन पढ़ेंगे वो सारे कहाँ हो रहे होंगे? अर्थ की सरफेस के काफी पास, और इतने पास हो रहे होंगे ताकि जी की वैल्यू में कोई वेरिएशन रहेगा। जी की वैल्यू हम कैसे ले सकेंगे? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू की तरह। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें जो मूवमेंट होगा इसमें भी हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हाइट वगैरह फाइंड करेंगे, और इसमें हम वो तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो कि हमने यूनिफॉर्म एसलेशन के केस में ड्राइव की थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी आपकी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो तीनों इक्वेशन है ये कांस्टेंट एसलेशन के लिए प्रूफ किए हैं, और यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते करेंगे हम, बस एक ही जगह किसको रिप्लेस कर देंगे हम? जी को। ठीक है, जो आपका एस जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एच से। ठीक है, बाकी इनिशियल वेलोसिटी वी यू और फाइनल वेलोसिटी वी रहेगी। क्लियर, इस पिक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये पर्सन फ्री फॉल कर रहा है और ये हाई जंपर है, इसने प्लेन से जंप किया है और ये फ्री फॉल हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है ये भी, लेकिन इसमें एक और फोर्स वर्क कर रहा होगा, एयर ड्रैग। ठीक है, जो एयर का ड्रैग है वो इसका एसलेशन कम कर रहा होगा। ठीक है, वैसे तो अगर यहाँ पे वैक्यूम होता तो ये कितने एसलेशन से नीचे गिरता? जी के एसलेशन से। ठीक है, कॉन्स्टेंट एसलेशन जी से नीचे गिरता, लेकिन अभी ये जी के एसलेशन से नीचे नहीं गिर रहा होगा क्योंकि एयर ड्रैग की वजह से ग्रेविटी की फोर्स के अलावा एक और फोर्स लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में जो एक्चुअल इसका एसलेशन होगा, जो एक्चुअल इसका एसलेशन होगा ए, अगर हम उसको कहें तो वो जी से स्लाइटली लेस होगा। क्लियर, मोशन अंडर ग्रेविटी के दो स्पेशल केस पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक ग्राउंड है और ग्राउंड से एक बॉल को फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितनी इनिशियल स्पीड से फेंका जा रहा है? वी इनिशियल स्पीड से। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये बॉल जाएगी, इसको यहाँ से थ्रो किया गया। तो आपको मैक्सिमम हाइट एच फाइंड करनी है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया एकदम, पूछा है कि एच कितना होगा इस केस। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी तो वी हो जाएगी, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जी डाउनवर्ड्स लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और ये थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं इसमें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो आप जरा देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू टाइम्स ए एस। अब ए एस में आपको ऐसा ध्यान रखना है कि ए है एसलेशन और एस है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें क्वेश्चन देखो जरा ढंग से। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो जी लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको हम माइनस से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस जी इंटू एच। क्लियर, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये है एसलेशन और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिंस इस केस में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और एसलेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सिंस ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा माइनस जी एच। क्लियर, अगर बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाता तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होता और एसलेशन भी नीचे होता, तो ये होता प्लस जी एच। क्लियर, तो यहाँ से टू जी एच कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका वी स्क्वायर, और एच हमें फाइंड करनी है कि मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर टू जी। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक फॉर्मूला है कि अगर वी वेलोसिटी से अगर किसी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, तो वो होता है वी स्क्वायर ओवर टू जी। क्लियर, इसी में एक चीज और फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम हाइट तो हमने फाइंड कर ली कि मैक्सिमम कितने ऊपर तक जाएगा,
हम ये और फाइंड करते हैं इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, टाइम टी और फाइंड करते हैं, क्लियर। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन अब हम अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है v, और एक्सेलरेशन होगा माइनस जी क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन हम कोई पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कैसे करते हैं उसको। तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी इंटू टाइम टी, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा वी ओवर जी, ठीक है। तो वी अगर स्पीड से फेंका है आपने और पूछा है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हो जाता है वी ओवर जी। इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं साइन कन्वेंशन बना के, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं साइन कन्वेंशन लेके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। अक्सर हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, तो हमने मान ली डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव या फिर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, जो भी चाहिए वो एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। जैसे अगर मान लिया इस केस में हम मान लें अपवर्ड डायरेक्शन कैसे है पॉजिटिव, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान ली, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो कैसे हो जाएंगी, नेगेटिव, ठीक है। तो बस आप कन्वेंशन कोई भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे, आप नीचे वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे, ठीक है। हम दोनों तरह से करके देखेंगे और दोनों से सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। तो पहले सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या मानी, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी वो सारी पॉजिटिव की तरह डील की जाएंगी, और जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी वो सारी नेगेटिव की तरह डील की जाएंगी, ठीक है। और जो अभी तक हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, तीन बेसिक इक्वेशन, ठीक है, अब हम उनको भी वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी v इज इक्वल टू u प्लस at, तो वो है वेक्टर v u प्लस at, ठीक है, वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s डिस्प्लेसमेंट है, तो s डिस्प्लेसमेंट, ut u इनिशियल वेलोसिटी है, और ए एक्सेलरेशन हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये सारी वेक्टर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर जो है वो वी डॉट बी कह सकते हो, या वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट एस, ठीक है। वो तीनों इक्वेशंस हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर ही होती हैं, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए a डॉट b के बारे में, a डॉट b पॉजिटिव तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, a डॉट b ab के बराबर हो जाता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, a डॉट b माइनस ab के बराबर हो जाता है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो अब हम इसमें देखेंगे, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मान ली, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज ऊपर की तरफ होंगे वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी वो नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लिया आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम फाइंड करना है, मान लिया बेसिकली, ठीक है, टाइम फाइंड करना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम यूज कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी प्लस वी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मानी, पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस वी, ठीक है। प्लस ए टी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कन्वेंशन जो हमने माना अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी और इनटू टाइम टी, यहाँ से टी कितना जाने वाला आपका, पी वाई जी, क्लियर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम करें टाइम फाइंड करने वाले को, अगर हम ऐसे करें कि मान ली डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, सेकंड केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस में लिया है और ये हमने किस में ले रहे हैं, हम सेकंड केस में, ठीक है। अगर सेकंड केस करें, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान के, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो जाएगी माइनस वी, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है और ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि जी डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जी टी, तो यहाँ से भी टी कितना आ जाने वाला आपका, वी वाई जी, ठीक है। तो आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले लो, दोनों से जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो सेम आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में हम अगर मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, मैक्सिमम कितनी हाइट होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना होगा एच, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है आपका फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट एस,
एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पे ए डॉट बी ए बी के बराबर तब हो जाता है जब इनके बीच में एंगल जीरो। एंगल जीरो होने का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर होता है जब इनके बीच में एंगल 180 हो, यानी दोनों का हो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये केस कब है, जब थीटा कितना है इनके बीच में 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में। और ये केस कब है, जब थीटा कितना है 180 डिग्री, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर, जरा देखते हैं इस केस में क्या है। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे ये वी स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू टाइम्स। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें करना है एच, सॉरी एक्सेलरेशन जो है आपका वो जी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच है। अब आप जरा यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है आपका अपवर्ड डायरेक्शन और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो जाएगा माइनस जी एच, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता, प्लस जी एच, ठीक है। तो यहाँ से आप एच फाइंड करोगे तो एच फिर से वही आ जाएगा, वही रिजल्ट सेम बी स्क्वायर ओवर टू जी, ठीक है। जैसा कि हमने पहले प्रूव किया था स्टार्टिंग में, एच आया था आपका बी स्क्वायर ओवर टू जी, ठीक है। तो अब आगे से क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये तीनों इक्वेशन हम कैसे यूज करेंगे, लाइक ए वैक्टर, ठीक है। इनको हम यूज करेंगे वैक्टर इक्वेशन की तरह, ठीक है। और अगर एक डायरेक्शन को हम कन्वेंशन से, बाय कन्वेंशन किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी उस डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव, जो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन होंगी वो सारी नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। तो अभी आपको दो रिजल्ट समझ में आए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके तो पहला पॉइंट वो कितनी हाइट तक जाता है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, तो वो बी स्क्वायर ओवर टू जी, आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो वो टाइम है आपका बी ओवर जी, क्लियर। एक और स्पेशल केस करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। इस केस में क्या है, एक एक कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, और उसको एच हाइट से ग्राउंड से वो कितने ऊपर है, एच हाइट ऊपर है, ठीक है। और उसको वहां से ड्रॉप किया जा रहा है अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल होगा ये, और ये कैपिटल एच हाइट पे है। तो उसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहला तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा नीचे तक आने में, ये पूछा जा रहा है। और सिंस रेस से ड्रॉप किया तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो तो जीरो है, लेकिन जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा आके तो कुछ फाइनल स्पीड होगी इसके पास, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी फाइनल स्पीड वी कितनी है, ठीक है। दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इनके दोनों रिजल्ट हम फाइंड करेंगे, उनको हम याद भी रखेंगे, ठीक है। तो एच हाइट से ड्रॉप किया गया है, और अब हम बाई कन्वेंशन क्या करते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हमने, अगर हम ऐसे मानते हैं कि मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो अगर हमें एच पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। थर्ड इक्वेशन आएगी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर एस, क्लियर। तो फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस टू टाइम्स ए डॉट एस। अब जरा आप इसमें देखो, ए एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, और एस डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर से पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी कहाँ है, डाउनवर्ड। अभी दोनों जब अगर सेम डायरेक्शन में, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो वो सिंपली हो जाएगा ए की जगह जी और एस की जगह आपका एच। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस जी एच हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना आ गया, टू जी एच, तो वी कितना आ जाएगा, तो वी आ जाएगा अंडर रूट टू जी एच, क्लियर। अब हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाएं, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन होती है एस वेक्टर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा आप देखो, आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वॉल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये प्लस एच नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि कन्वेंशन की अपोजिट है, ठीक है। कन्वेंशन हमने माना है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो डाउन, और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया माइनस एच, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, प्लस हाफ।
अब आप देखो एसलेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी लेकिन एसलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन हो तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ से टाइम फाइंड करें अगर हम, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टू एच ओवर जी, और उस तरफ बचेगा सिर्फ टी स्क्वायर, उसको कैपिटल टी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल टी माना है टाइम को, कैपिटल टी। ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान भी रखना है, टी आ जाएगा अंडर रूट टू एच ओवर जी। क्लियर, तो इसके दो रिजल्ट्स ये आए हैं कि अगर हम एच हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है उसके पास, अंडर रूट टू जी एच, एकदम याद रखना है आपको। और कितना टाइम लगता है नीचे तक पहुंचने में, तो वो है अंडर रूट टू एच ओवर जी, वो कितना टाइम है, अंडर रूट टू एच ओवर जी। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास टोटल चार रिजल्ट्स हो गए हैं, दो रिजल्ट्स हैं आपके पास जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तब टाइम कितना लगेगा और हाइट कितनी अटेंड करेगा वो, और दो रिजल्ट हैं हमारे पास जब बॉल नीचे गिरती है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट्स आपको एकदम याद होने चाहिए। क्लियर।